दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा गांव भी है जो आज भी अपने डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बेचता और फ्री में ही उन्हें आपस में बांटता है। लेकिन आखिर क्यों और क्या कारण है कि यमुना नदी के बिल्कुल किनारे बने होने के बावजूद ताजमहल के अंदर यमुना नदी का पानी नहीं जाता? और भारत की एक ऐसी जगह जहां आप एलियन देख सकते हैं, लेकिन कौन सी है ये जगह? और कई बार सड़कों पर ऐसी ट्यूब क्यों पड़ी रहती है? और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में ये फैक्ट आपको चौंका देंगे। और एक ऐसी लड़की जिसने बॉबी डॉल बनने के लिए 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 40। दोस्तों, अभी तक आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी दिखती है, पर हम आपको बता दें कि ये बात किताबों में बिल्कुल गलत लिखी है और इसकी पुष्टि नासा ने भी की है। दरअसल ये दीवार 2100 किलोमीटर लंबी जरूर है, लेकिन ये केवल 20 फीट ऊंची और 5 से 6 मीटर चौड़ी है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये लंबी तो है लेकिन इतनी भी ऊंची या चौड़ी नहीं कि इसे स्पेस से देखा जा सके। यहाँ तक कि ये कुछ दूरी पर स्थित सैटेलाइट से भी नहीं दिखती। नंबर 30। दोस्तों, आगरा में यमुना नदी के किनारे खूबसूरत ताजमहल बना है। ऐसे में जब कभी भी नदी का जल स्तर बढ़ता है तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि यमुना नदी का पानी बाहर तो चारों ओर है, लेकिन वो ताजमहल के अंदर क्यों नहीं जाता? तो आपको बता दे कि ताजमहल एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर बना है और साथ ही इसकी दीवारों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि नदी का जल स्तर कितना भी बढ़ जाए लेकिन वो पानी ताजमहल के अंदर नहीं जा पाएगा। आपको बता दे कि नदी का जल स्तर अच्छा रहना ताजमहल के लिए सोने पर सुहागा का वर्क करता है, क्योंकि इसके नींव को एक विशेष प्रकार की लकड़ियों से बनाया गया है जो कि पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके मजबूत हो जाती है और इस तरह ताजमहल की मजबूती बनी भी रहती है। नंबर 12। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सड़कों पर ऐसी ट्यूब्स को देखा ही होगा जिसके बाद आपके मन में ख्याल भी आया होगा कि आखिर इन ट्यूब्स को सड़कों पर क्यों डाला गया है। चलिए आज हम आपको इसका जवाब बताते हैं। इन ट्यूब्स को प्यूनोमेटिक रोड ट्यूब्स कहा जाता है, जिन्हें सड़कों पर बिछाकर एक बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है, जिसके बाद ये ट्यूब्स अपने ऊपर से गुजरने वाले व्हीकल्स की काउंटिंग करती है, जिससे रोड बनाने वाले पर्सन को आइडिया हो जाता है कि सड़क से एक दिन में औसतन कितने व्हीकल्स गुजरते हैं। फिर इन्हीं नंबर्स के बेस पर रोड की मजबूती को डिसाइड किया जाता है। इससे ये फायदा होता है कि जिन सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है उन्हें अधिक मजबूती से बनाया गया है। नंबर 11। दोस्तों, आज के जमाने में जहां आपको पानी भी फ्री नहीं मिलता, वहां एक ऐसा गांव है जहां आप जाकर दूध, दही, लस्सी आदि डेयरी प्रोडक्ट्स का फ्री में मजा ले सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के भिवानी जिले के नाथुवास गांव की। यहां के लोग गाय भैंसों को तो पालते हैं लेकिन उनसे बने डेयरी उत्पाद को बेचते नहीं, बल्कि एक दूसरे में बांट दिया करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो इन्हें बेचेंगे तो इनके पशुओं की मौत हो जाएगी। ये प्रथा आज से नहीं बल्कि 150 साल पहले से चली आ रही है। इसके पीछे कहानी ये है कि लगभग 150 साल पहले इस गांव में एक महामारी आई थी जिसके कारण पालतू पशुओं की मौत हो गई थी और लोगों के यहाँ दूध दही के लाले पड़ गए थे। ऐसे में एक महंत ने गांव में जीवित बचे पशुओं को पेड़ से बांध दिया और आदेश दिया कि वे दूध या उससे बने उत्पादों को मुनाफे के लिए ना बेचे, जिसके बाद गाँव वालों ने इन उत्पादों को बेचना बंद कर दिया, जिससे धीरे धीरे गाँव की हालत सुधरने लगी, जिसके बाद गाँव का कोई पशु बीमार भी नहीं हुआ और न ही फिर कोई ऐसी महामारी आई। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपके मन में एलियन को देखने की इच्छा है? अगर हाँ तो आपको इसके लिए हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति वैली में जाना होगा। यहाँ पर आपको चंद्रताल लेक मिलेगी जहाँ पर बहुत से यूएफओ आते जाते रहते हैं, जिनमें कई बार एलियंस भी देखे गए हैं। यहाँ तक कि साल 2005 में इसरो ने एक अजीब गुब्बारे जैसा यूएफओ देखा जो कि रंग बिरंगी बदलने के साथ ही अचानक से अपनी हाइट और शेप भी बदल देता है। हालांकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि इस लेक में परियां रहती है। ऐसा कहने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, ये लेक 1500 फीट की ऊंचाई पर है जहां तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिसका असर लोगों के दिमाग पर होता है और उन्हें भ्रम या इल्यूजन की कंडीशन का सामना करना पड़ता है। दूसरा, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्थित है जहां पर चाइना अक्सर जासूसी के ड्रोन या गुब्बारे भेजता रहता है। अब इसके पीछे सच क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। नंबर 9। आज आपको अर्थ पर बहुत टाइप के जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे और उनमें से सबसे इंटेलिजेंट है ह्यूमन, लेकिन आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अर्थ की उत्पत्ति के साथ ही जो एटम्स या मॉलिक्यूल डेवलप हुए उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये एटम्स या मॉलिक्यूल अर्थ के साथ ही बने या फिर बाहर किसी दूसरे ग्रह से आए थे। नंबर 8। दोस्तों, मच्छरों से बचने के लिए हम बहुत से उपाय करते रहते हैं और उन्हीं में से एक है मॉस्किटो स्प्रे, जिसे बहुत से केमिकल्स का यूज करके बनाया जाता है। ये केमिकल्स मॉस्किटोज के सेंसर्स को कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे वे इंसान को ढूंढ नहीं पाते और ना ही काट पाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस स्प्रे की वजह से मॉस्किटोज के लिए इंसान कुछ टाइम तक इनविजिबल हो जाता है। साथ ही आपको बता दे कि ये स्प्रे मच्छरों को मारते नहीं, जिससे जब कुछ
टाइम बाद स्प्रे का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो ये वापस से खतरनाक बन जाते हैं। नंबर 7, दोस्तों अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है चाइना के ली हुआ ने। ली हुआ को 27 साल की उम्र में एंकी लूजिंग स्पॉन्डिलिटीज नाम की रेयर बीमारी हो गई थी। इस बीमारी की वजह से इनका पूरा शरीर मुड़ता ही चला गया और 40 की उम्र तक आते आते ये पूरी तरह से मुड़ गए थे, जिसके बाद सभी ने मान लिया था कि अब ये ठीक नहीं हो सकते। लेकिन ली हुआ की माँ को यकीन था कि उनका बेटा एक दिन ठीक हो जाएगा, जिसके लिए वो मेहनत करती रही। और फिर साल 2020 में डॉक्टर्स ने ली हुआ की सक्सेसफुल सर्जरी की, जिसके बाद वो वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए। नंबर 6, दोस्तों क्या होगा जब आपको सुबह सुबह न्यूज में सुनने को मिल जाए कि चाइना में थम्स अप कोल्ड ड्रिंक के कारण 2 लोगों की मौत हो गई? चौंक गए ना। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे खतरनाक केमिकल्स रहते हैं जो आपकी जान लेने के लिए काफी है। हालांकि इन 2 लोगों की मौत तो लगभग 10 मिनट में 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि धीरे धीरे इसको पीते रहने से आप बच जाएंगे। ये घटना केवल चीन में ही नहीं बल्कि भारत में भी देखने को मिली। आंध्र प्रदेश के एक आदमी की थम्स अप की बोतल में सांप तक निकला था। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जिससे आपको कैंसर और किडनी डिजीज जैसे रोग भी हो सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों हम सब की कोशिश रहती है कि काम करते टाइम रूम में शांति बनी रहे, लेकिन फिर भी रूम में कुछ न कुछ आवाजें आती ही रहती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शांत रूम किस प्रकार का होगा? चलिए आपको बताते हैं। वॉशिंगटन डीसी के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दुनिया का सबसे शांत कमरा बनाया गया है, जिसे बनाने में लगभग 10.5 करोड़ की लागत आ गई थी। और ये इतना शांत है कि यहाँ पर आप अपनी हार्ट बीट को भी सुन सकते हैं। यहाँ पर सन्नाटा इतना ज्यादा है कि आज तक 45 मिनट के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ रुक ही नहीं पाया। नंबर 4, दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सुना ही क्या, अधिकांश लोगों ने तो इसे टेस्ट भी किया होगा। ये एक ऐसी मिठाई है जो आपको हर गली चौराहे पर मिल जाएगी और जिसका नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी भी आ जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में हर जगह प्रचलित रहने वाली जलेबी की उत्पत्ति यहाँ नहीं बल्कि 10वीं शताब्दी में पर्जिया से हुई, जहाँ इसे जुल्बिया के नाम से जाना जाता था। और फिर जब सब देशों के बीच ट्रेड रूट डेवलप हुए तो सब पर्जिया के कुछ ट्रेडर्स जुल्बिया को भारत ले आए, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे जलेबी कहना शुरू कर दिया था। नंबर 3, अगर आपसे अमेरिका के सबसे विवादित राष्ट्रपति का नाम पूछे तो शायद आप भी मेरी तरह डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेंगे, जो कि सही भी होगा क्योंकि ये चुनाव जीतने से लेकर चुनाव हारने तक अपने विवादों को लेकर चर्चा में बने रहे। साथ ही ये अब अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिन पर क्रिमिनल चार्ज भी लग चुका है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के एक एडल्ट फिल्म स्टार से अवैध संबंध थे, जिसे छुपाने के लिए साल 2016 में ट्रंप ने उसे मोटी रकम भी दी। लेकिन वो एडल्ट फिल्म स्टार ज्यादा टाइम तक चुप नहीं रही और उसने ट्रंप की सच्चाई पब्लिकली कर दी, जिसके बाद ट्रंप पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए। नंबर 2, दोस्तों नहाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन बार बार नहाना हमारी सेहत पर बुरा असर डालता है क्योंकि हमारी बॉडी पर गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। और एक बार नहाने से बैक्टीरिया साबुन और पानी के साथ शरीर से हट जाते हैं, लेकिन बार बार नहाने से हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया जो कि बीमारियों से लड़ने और बुरे जर्म्स को हटाने का काम करते हैं, ये भी हट जाते हैं, जिससे हमें स्किन इन्फेक्शन और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए 24 घंटों में केवल एक बार ही नहाना सही माना जाता है। यही बात टूथब्रश के लिए भी लागू होती है। दिन में 2 बार ज्यादा ब्रश करने से मुंह में प्रेजेंट अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, साथ ही टेस्ट बर्ड्स भी खराब होने लगते हैं। इसीलिए 24 घंटों में केवल 2 बार ही ब्रश करना चाहिए। दोस्तों आप दिन में कितनी बार नहाते हैं और ब्रश करते हैं, हमें कॉमेंट्स में बताएं। नंबर 1, मिलिए 33 साल की स्वीडिश मॉडल अलीजिया अमायरा से। इन्होंने खुद को बॉबी डॉल जैसी दिखने के लिए अभी तक 90 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए। अलीजिया कहती है कि वे एक मिशन पर हैं जिसके अंतर्गत वे संसार की सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली इंसान बनना चाहती है। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने स्तनों, माथे, आंखों, गालों और होंठों पर कई ऑपरेशन करा दिए हैं और अपने ओरिजिनल लुक को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में वो पिंक कलर की बिकनी में नजर आ रही है और बिल्कुल एक बॉबी डॉल की तरह दिख रही है। तो दोस्तों क्या आप इनमें से किसी फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।